एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एक सरस्वती पूजा लुक एंड मैंने येलो एंड पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में ये मेकअप रखा है और मैंने आई मेकअप के जो स्टेप्स है वो बहुत ही इजी रखे हैं, यानी कि ऐसे मैंने स्टेप्स बताए हैं जो कि आप अपने साड़ी एंड ब्लाउज के कलर के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्किन केयर कर लिया है ऑलरेडी एंड स्किन केयर किए हुए मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं, तो डायरेक्टली मैं मेकअप से स्टार्ट करती हूँ एंड मेकअप के टाइम में मैं वॉइस ओवर दूंगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर जहां जहां मुझे नीड है, जैसे कि नोज के साइड पे, फोरहेड पे, चिन पे, जहां जहां पे मुझे नीड लगेगी मैं वहां वहां प्राइमर लगा लूंगी। मैं आईलिड्स पे भी प्राइमर लगाती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी कंसीलर, जहाँ जहाँ मुझे ब्लैकनेस है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर लगाऊंगी। लाइक माउथ के अराउंड, आईज पे, फोरहेड पे में मुझे थोड़े से पिंपल्स हुए थे, वहाँ थोड़े से ब्लैकनेस है, तो जहाँ जहाँ भी मुझे ब्लैकनेस होंगे वहाँ वहाँ मैं कंसीलर लगाऊंगी और सबसे पहले हाथ से ही उसे अच्छे से स्प्रेड करके ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने कंसीलर को। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन और इसे फुल फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन आईज पे भी लगाया है ताकि अच्छा सा बेस क्रिएट हो। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन है, लेकिन ब्लेंडिंग के बाद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब मैं नेक पे भी लगा लूँगी थोड़ा सा फाउंडेशन और अच्छे से उसे स्प्रेड कर लूँगी ताकि फेस एंड नेक एक जैसा दिखे, अलग ना दिखे। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से अच्छे से अपने आईज के एरिया को सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीज ना पड़े और फुल फेस को भी सेट कर लूँगी अच्छे से। ज़्यादातर मैं आईज के ऊपर लगा रही हूँ ताकि कोई क्रीज ना पड़े आईज के ऊपर और आईज के अराउंड, क्योंकि मुझे आई शेडो लगाना है और यहीं ज़्यादा क्रीज पड़ता है, तो क्रीज ना पड़े इसीलिए मैं आईज के अराउंड और आईज के ऊपर ज़्यादा करके कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। फुल फेस पर मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊँगी क्योंकि विंटर है तो ऐसे भी ज़्यादा नीड नहीं है मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की। अब मैं एक लूज पाउडर लेके, मैंने यहाँ पे बेबी पाउडर लिया है, लूज पाउडर लेके अंडर आईज पे लगा लूँगी ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊँ तो जो भी फॉल आउट हो वो अच्छे से साफ हो पाए। तो आप देख सकते हो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही लगा ले रही हूँ अंडर द आईज पाउडर को। मैंने बेबी पाउडर ही यूज़ कर लिया है एज ए लूज पाउडर, आप भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा वर्क करता है। तो ये बेकिंग के भी काम आ जाएगा और साथ ही साथ जब मैं आई शेडो लगाऊंगी कोई भी फॉल आउट होगा तो अच्छे से इरेज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये एक पिंक कलर का शेड ले रही हूँ और पेंसिल ब्रश के हेल्प से मैं उसे अपने आईज पे लगाऊंगी। आप स्टेप्स देख लेना, जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो मैं इसे बाहर की तरफ से यानी आउटर वी से अंदर की ओर खींचती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं क्रीज पे भी लगाऊंगी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आउटर वी मतलब बाहर की तरफ लगाया है और क्रीज पे भी थोड़ा थोड़ा लगाया है। मैंने आउटर वी पे फोकस करते हुए मैंने क्रीज पे ब्लेंड किया है। इस आई शेडो पैलेट में ना पिगमेंटेशन थोड़ी कम है, इसीलिए बार बार मुझे लेकर लगाना पड़ रहा है। तो सेम मैं दूसरी आईज पे भी कर लूंगी। तो आप देख सकते हो दोनों आईज पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरे पैलेट में से ये लाइट ब्राउन सा शेड लूंगी। ये पीचिश और ब्राउनिश दोनों मिक्स है, तो इसे मैं क्रीज पे लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन शेड, मतलब पिंक कलर, और इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से साथ में। तो ये एज अ ट्रांजिशन शेड वर्क करेगा। इससे क्या होगा ना, पिंक शेड अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, कोई भी हार्श लाइंस नहीं दिखेंगी। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से ये येलो शेड लगाऊंगी। ये दिख तो रहा है पैलेट में बहुत ज़्यादा ब्राइट, लेकिन ये बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, मतलब इसकी ज़ीरो पिगमेंटेशन है। बार बार मुझे इसे लेके बिल्डअप करना पड़ेगा। तो आप देखोगे वीडियो में कि मैंने कितनी बार इसे लिया होगा, कम से कम तो मैंने 10 बार तो इसे लिया ही होगा प्रॉपर पिगमेंटेशन लेने के लिए। क्या करूँ, मेरे पास यही आई शेडो पैलेट है, तो मुझे इसी से काम चलाना होगा। तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी बार ले रही हूँ। जब तक प्रॉपर पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा मुझे, तब तक मैं इसे लगाती रहूँगी। येलो शेड को इनर कॉर्नर से लेकर मिडल ऑफ द आईलिड तक मैं इसे प्लेस करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, इजीली आई मेकअप हो जाता है। आई मेकअप में कोई ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी नहीं है। आप अगर समझ के करोगे ना तो आपसे भी हो जाएगा। पहले मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझसे परफेक्ट नहीं होता, बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब आया है प्रॉपर पिगमेंटेशन, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत दिख रहा है अब येलो कलर। तो सेम मैं दूसरे आईज पे भी कर लूंगी। तो दोनों आईज पे डन हो गया है। मैंने बैक ऑफ द कैमरा कर लिया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब मैं ये जो गोल्डन सा शेड है ना, मैं एकदम मिडिल पे प्लेस करूंगी। जहाँ आईबॉल है, आईबॉल पे ही, आईबॉल के ऊपर प्लेस करूंगी, आईलिड्स पे। मतलब पिंक और येलो शेड को एक साथ मिक्स करने के लिए मैंने ये गोल्डन शेड लिया है। मैं मिडिल पे इसे अप्लाई करूँगी। जस्ट मैं मिडिल पे लगाऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पिंक एंड येलो को मिक्स करने के लिए मैंने ये गोल्डन शेड अप्लाई किया है मिडिल पे। उसके बाद मैं और ज़्यादा पिंक कलर को इंटेंसिफाई करूँगी, क्योंकि इतने सारे आई मेकअप के बाद हल्का हो गया था। अब मैं पाउडर को डस्ट ऑफ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप डन हो गया है। अब मैं आईब्रोज ब्रश अप कर लूँगी अच्छे से। पहले मैं ब्रश अप कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं पेंसिल के मदद से अच्छे से आईब्रोज़ को ड्रॉ कर लूँगी। मैंने काफ़ी दिनों से आईब्रोज़ बनवाए नहीं हैं, इसीलिए मेरे आईब्रोज़ अभी इतने मोटे मोटे हैं, शिनचैन की तरफ बहुत ज़्यादा ही मोटे मोटे हैं। जो भी है इसे ही मुझे सेट करना है और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना है, क्योंकि मैं किसी कारण से अभी बाहर नहीं जा सकती, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं जस्ट हॉस्पिटल से ही वापस आई हूँ, तो अभी मैं पूरे बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मन हो तो। तो अब काजल लगा लेते हैं। तो काजल, आईलाइनर और मस्करा मैंने बैक ऑफ द कैमरा लगा लिया है और कंप्लीट कर लिया है अपने आई लुक को। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। मैं ढेर सारा ब्लश लगाऊंगी क्योंकि मुझे ब्लश बहुत पसंद है। विंटर सीजन में तो स्पेशली मैं बहुत सारा ब्लश लगाती हूँ, अच्छा लगता है। थोड़ा सा नोज़ पे लगा लेंगे, थोड़ा सा चिन पे लगा लेंगे। मैं फिंगर्स की मदद से ही हाइलाइटर लगा लूँगी हाई पॉइंट्स पे। जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर लगाना है मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी, जैसे अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे और चिन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। नोज़ पे मैं लगा रही हूँ अभी, थोड़ा सा चिन पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा क्यूपिड बो पे। तो मेरा हाइलाइटर लगाना डन हो चुका है। अब मैं एक रेड लिपस्टिक लूँगी और रेड लिपस्टिक अपने लिप्स पे लगाऊंगी। तो रेड लिपस्टिक बहुत ही अच्छा लगेगा इस लुक पे। तो देखिए लिपस्टिक लगाना भी डन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हो आप।